नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में आज दिनांक 11/9/2020 को खानकाह आलिया नियाजी ख्वाजा कुतुब बरेली शरीफ में सरकार हसन और फसनी मियां साहब किबला का स्वयं फातिहा मनाया गया, जिसमें साहिब सज्जादा मेहंदी मियां सरकार द्वारा फातिहा दिलाई गई। खानदान के लोगों में और मुरीदों में शोक का मातम बना रहा, सभी लोगों की आंखें नम रही। कई खानकाहों से सज्जादा नसीम तशरीफ लाए हुए थे। कैमरामैन गड्डन के साथ सिराजुद्दीन खान की रिपोर्ट। डॉक्टर कमाल नियाजी जी, हजरत हसनी मियां साहब कबला रहमतुल्लाह अलैह का आज स्वयं था। उनके जो अब जानशीन हैं फर्जंद अकबर मोहम्मद शाह मेहंदी मियां साहब, उन्होंने सुबह भी तीजे की फातिहा दी थी, इस वक्त भी जो स्वयं की फातिहा हुई उन्होंने दी। वो आपके सज्जादा नशीन हैं, आपने अपने हयात में ही उन्हें अपना सज्जादा मुकरर फरमा दिया था। वो सारे जो खानकाही रसूमात हैं तो सज्जादा नशीन ही करते हैं, और शबू मियाँ साहब जो हैं वो प्रबंधक हैं खानकाह नियाजिया के, मेरे बड़े भाई, तो वो हैं। हम तमाम ख़ानदान के अफराद फातिहा में शरीक हुए, मुरीदीन हुए, अजमेर शरीफ से गद्दी नशीन आए हुए हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार दिल्ली से वहाँ के गद्दी नशीन शरीक हुए, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही वहाँ के गद्दी नशीन शरीक हुए, और हज़रत शाह अब्दुल्ला बगदादी कादरी फर्जंद गौसुल आज़म रामपुर के गद्दी नशीन शरीक हुए, और कलियर शरीफ के गद्दी नशीन शरीक हुए, और मुख्तलिफ़ जगह से खलीफा जो पीरान पीरी मुरीदी करते हैं वो तमाम आए, और तमाम लोग इसमें शिरकत सुबह भी करी और इस वक्त भी लोगों ने करी। अब लोगों की यही एक दुआ है, हम सब लोगों की, अल्लाह ये जो मेहंदी मियां साहब को उम्र दराज करे, वो सिलसिले की सही से सही नुमाइंदगी फरमा रहे हैं, रुजदो हिदायत का सिलसिला जारी है, और वो दीनी आलिम भी हैं, उन्होंने दीनी तालीम है, अपने वालिद साहब से रूहानी तालीम हासिल करी है, आपको है, आप उनके बिल्कुल अपने वालिद अपने पीरो मुर्शिद और जिनके वो सज्जादा नशीन हैं उनके बिल्कुल नक्श कदम पर आप चलते हैं और तमाम मुरीदीन की रहनुमाई फरमा रहे हैं जी। हाँ, उनके फर्जंद हुए, फर्जंद अकबर, जब उनकी तालीम मुकम्मल हो गई, दीनी तालीम मुकम्मल हो गई, दीनी दुनियावी तालीम मुकम्मल, फिर उन्होंने रूहानी तालीम मुकम्मल करने के बाद इसका उनका गद्दी नशीन होने का, अपनी जगह अपना सज्जादा नशीन होने का ऐलान फरमाया था। क्योंकि देखिए, जब पूरी तालीम मुकम्मल हो जाती है और अहल समझते हैं वो, ऐसे नहीं है कि कर दिया, जब अहल समझा, तालीम मुकम्मल हो गई, रूहानी मुकाम देख लिया, क्योंकि वो अल्लाह वाले थे, वली अल्लाह थे वो, हज़रत हसनी मियां साहब कबला रहमतुल्लाह अलैह, तो जब उन्होंने देखा कि हाँ बच्चा इस है, तो उन्होंने उसके बाद उन ऐलान किया था उनकी सज्जाद नशीनी का। अब सज्जादा वो ही है, उन्होंने नमाज जनाजा भी पढ़ाई, और जो तलकीन दी जाती है कब्र में, ये एक तरीक़ा है, आप लोग इसको नहीं समझे शायद, तलखीन की जाती है कब्र में लेट के, तो वो सज्जादा नशीन ही करते हैं, वो भी उन्होंने फरमाई, उनको तालीम थी, और स्वयं की नज़र भी पेश करी उन्होंने, उन्हीं की नुमाइंदगी में सब लोग हम लोग शरीक हुए हैं।